Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss another disease, that is brucellosis. So let us start. Brucellosis एक ऐसी zoonotic disease है जो world wide पाई जाती है और इसके annual cases जो आते हैं that are more than 5 lakh annually. और ये एक bacterial disease है जिसका genus है brucellosis. इस disease को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मेडिटेरियन फेवर, माल्टा फेवर, गैस्ट्रिक रेमिटेंट फेवर, अंडुलेंट फेवर से भी. हम इस ब्रुसेला डिजीज को कहाँ पे पा सकते हैं? तो इसको जो है हम पा सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी, ये हो सकता है यूरिन में भी पा सकते हैं हम इसको, मिल्क में भी, प्लेसेंटल फ्लूइड्स में भी और अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी. अगर ये डिजीज शीप से आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रुसेला मिलिटेंसिस, अगर ये पिग से आ जाए तो ब्रुसेला सोइस, अगर ये कैटल से आ जाए तो ब्रुसेला एबॉर्टस और अगर डॉग से आ जाए तो ब्रुसेला कैनस. डिजीज इंसिडेंस रेट हम देखते हैं कितना है. जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये डिजीज कॉमन डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड पाई जाती है और इसके जो केसेस है एनुअली वो है मोर देन 5 लाख. US में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ, इसके जो रीजन्स है वो है बिकॉज ऑफ इलीगल इम्पोर्टेड अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इस उससे भी ये हो सकता है. ट्रांसमिशन की बात अगर करेंगे तो ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स, सेक्चुअल ingestion of the unpasteurized milk, infected meat products से भी इसका transmission जो है वो हो सकता है. pathophysiology के बारे में पढ़ते हैं. brucella जो है ये aerobic gram negative bacteria है जिसकी एक unique ability ये है कि ये phagocytic और non-phagocytic cells को भी affect करता है. जब ये blood stream के अंदर चला जाता है तो ये activate करता है मैकेनिज्म को टू अवॉइड द इम्यून सिस्टम. देन ये इंजेक्शन इसकी जो हो जाती है बाय द फैगोसाइट्स से एंड देन रेप्लिकेशन हो जाती है इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में एंड देन ये कॉज करता है इन्फेक्शन. अब हम जानेंगे कि इस ये जो ब्रुसेला है इसके साथ कौन कौन रिस्क भी ज़्यादा होता है. ऑक्यूपेशनल डिजीज है, यानी कि कैटल या डेयरी फार्मर्स जो एनिमल्स के साथ ज़्यादा जिनकी वाबस्तगी है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. वेटनेरियंस, उनको ये ज़्यादा हो सकता है. एबॉट वर्कर्स, उनके साथ मीट इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनको ये लग सकता है. लैब में जो काम करने वाले हैं उनको ये हो सकता है. हंटर्स, ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको भी, और वो वाले लोग जो दूध को जो है, मिल्क को जो है पास्चराइज नहीं करते हैं उसके बाद ही पी लेते हैं तो उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है. इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो उसके बारे में जानते हैं. इनक्यूबेशन पीरियड जो है इसका है वो है 1 to 3 weeks. ओकेजनली जो है सेवरल मंथ्स भी पाया गया है. कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. फीवर जो है वो इंटरमीटेंट भी हो सकता है और एंडुलेंट भी. इट ऑफ्टन परसिस्ट्स फॉर मंथ्स और ईयर्स तक भी, ठीक है. यानी कि इसका यह मतलब है कि फीवर जो है वो किसी वक्त तक आ सकता है, उसके बाद गायब हो सकता है, फिर दोबारा जो है वो आ सकता है. नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो इसके है वो है स्वेटिंग, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, रिगर एंड वीकनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा आती है और स्पेशली जो है ये बोन्स को इफेक्ट करता है. साइंस एंड सिम्टम्स में डिप्रेशन भी आता है, ऑस्टो आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन में आता है आर्थराइटिस फॉर एग्जाम्पल. एंड इज द आर्थराइटिस को पता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, एंड ऑस्टोमेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स. स्प्लीनोमेगैली यानी कि इनलार्ज हो जाता है इसमें स्प्लीन. लिप एडिनोपैथी यानी कि लिप नोड्स को भी जो है इफेक्ट करता है. हेपेटोमेगैली यानी कि लिवर को भी इनलार्ज कर देता है. ऑर्चाइटिस यानी कि टेस्टिकल्स को इफेक्ट करता है. एपिडिडिमाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन काज करता है एपिडिडिमा में. इसके साथ ये सेप्टिसिमिक डिजीज भी काज करता है और एबॉर्शन जो है लार्जली इसमें जो है वो ऑकर हो जाता है. डायग्नोजमिक की बात करें तो डायग्नोज हम किस तरह इसको करेंगे. एक तो
जो हमने पहले क्लिनिकल फीचर्स बोले उस पर, और दूसरे सीरोलॉजी में यानी कि हम इसमें जो टेस्ट करते हैं वो है ब्रुसेला ए ग्लूटिनिन टेस्ट हम करते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड और टिश्यू कल्चर भी करते हैं, और पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी जो है इसमें हम कर लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।